नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। झारखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे दुमका, इसमें आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से उतरते हुए। और वहीं मुंबई से दो बड़े कलाकार, छोटे और बड़े स्क्रीन के कलाकार, बड़े स्क्रीन पर भी कई पिक्चरों को दे चुके हैं। और वहीं आप इन कलाकारों से बखूबी वाकिफ हैं, सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर। तो इस समय आप देख सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए झारखंड पुलिस के जवान, और यहाँ पे राजभवन परिसर में पहुंचे हुए हैं। पहुंचे उसके बाद मीडिया से, पहुंचने से पहले मीडिया से मुखातिब भी हुए। झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, तो पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि आगे सरकार की रणनीति क्या है, विकास कार्यों को लेकर के क्या सरकार जनता को तोहफा देने वाली है। तो माननीय हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास होगा और वो आप भी देखेंगे, हम इस पर आगे भी बात करेंगे। और ये कहकर वो राजभवन परिसर की तरफ निकल गए। तो इसमें आप देख सकते हैं राजभवन परिसर में अब यहाँ के दुमका वासियों से वो मिल रहे हैं। जैसा कि आपको हमने इसके पहले भी बताया था कि वो रांची में भी अपने आवास पर डेली जनता दरबार की तरह वो डेली झारखंड वासियों से मिलते हैं, उनके परेशानियों को जानते हैं। हर हमेशा वो जब भी दुमका पहुँचते हैं वहाँ के नगर वासियों से मिलते हैं, जिनका जो इशू है उसको वो बखूबी सुनते हैं और उसको कम करने की कोशिश करते हैं, निष्पादन करने की कोशिश करते हैं। अपने अधिकारियों को आदेश भी देते हैं जिनका जो भी कार्य होता है। तो हमने इसके पहले भी आपको एक विजुअल दिया है, वो उसको आप लोगों ने देखा है। तो एक्चुअल हमारा जो भी मोटिव होता है कि चाहे वो कोई भी मंत्री या नेता हो, जनता की हित की बात करें, जनता के लिए काम करें। 5 साल में एक बार चुने जाते हैं, तो जैसे आप 5 साल में एक बार जनता के पास अपने हाथ जोड़ के जाते हैं, तो जनता भी हाथ जोड़ करके अपने तकलीफों को लेकर के आपके पास पहुंचती है। तो जिसके लिए जनता ने आपको चुना है, तो आपका भी, चाहे वो कोई भी नेता, मंत्री, विधायक कोई भी हो या सांसद हो, आपको भी ये समझना चाहिए कि हम जनता की तकलीफों को कम करें। तो हमें लगता है कि जनता आपको वैसे भी फिर 5 साल के बाद हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, जनता वोट आपको बखूबी देगी क्योंकि आप उनके लिए हैं। तो 5 साल में कम से कम एक बार नहीं, आप जनता से बार बार इस चीज़ों को जा करके उनके पास समझें, उनके तकलीफों को समझें, ताकि जनता के पास आपको 5 साल में एक बार हाथ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो अपने कार्यों से अभी बखूबी जाने जा रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, जनता की तकलीफों को समझ रहे हैं। तो हम लोग का यही उम्मीद है कि ऐसे कार्य वो करते रहें, जनता की तकलीफों को सुनते रहें। तो हमें उम्मीद है कि इनको आगे भी 5 साल के लिए दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी नेता, कोई भी मंत्री हो, किसी भी पार्टी के हो, जनता के लिए काम करें, जनता आपको वैसे ही वोट देगी, आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात किया था पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक कपूर का। यदि आप इस नाम से नहीं जानते हैं तो हम आपको एक हिंट देंगे। रांची पहुंचे हुए हैं व्यक्तिगत काम से, झारखंड की जनता से आज फेस टू फेस मिले। आप नहीं पहचानते हैं तो आइए हम एक हिंट देते हैं आपको हम, और आप समझे। लाल पेंशन लेने आए हो? जी हाँ। ले लो, हिम्मत है तो। मेरे प्रोफुल को तो कल रात 5-6 बार जाना पड़ा था भविष्य। मैं ईश्वर बुद्धिदेव। अच्छा, करते क्या है? ईश्वर जिनके मंदिर बनते हैं। रजनीकांत एन्नावजी थन्नीवजी। हाँ, वाइफ सीरियस हो गई थी ना, तो उसके बाद आ जाते। वाइफ और ज्यादा सीरियस हो गई, उसके बाद आ जाते। के बाद भाटिया जी वाइफ हमें सीरियस करके चली गई। तो हंसा और मुसद्दी लाल, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक कपूर को आप जान गए होंगे। अब आइए इनसे हम बात करते हैं, जनता से मुखातिब हो रहे हैं और इस पे झारखंड की जनता ने क्या कहा, हम ये भी सुनेंगे। मैं आई हूं यहां, और जब मैं पहली बार आई थी तो मैं बिल्कुल ही अनजान थी कि क्या होगा, बिकॉज मैं इस तरफ कभी नहीं आई, और मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुई
कि ये इतनी अच्छी जगह मुझे लगी, मेरे पंकज को जाके कहा भी कि कुछ इस जगह में कुछ बात है जो मुझे उस बार भी लगी थी और इस बार भी लग रही है सच्ची। तो आप इधर कल एक प्ले भी प्रस्तुत कर रहे हैं दोपहरी, तो मैंने सोचा थिएटर से ही हम बात भी शुरू कर सकते हैं। तो आप दोनों बहुत ही मखते हैं, तो थिएटर में कौन सी ऐसी बात है जो आपको खींच के वापस स्टेज पे लाती है? लगता है जो लाइव ऑडियंस का एक एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके ऑडियंस कैसे आपके साथ रिएक्ट कर रही है, क्या आप अपने कैरेक्टर को अब उन तक पहुंचा पाए हैं कि नहीं, उसका उसका इमीडिएट रिएक्शन मिल जाता है आपको, जो बहुत एक्साइटिंग होता है और जो शायद सिनेमा या टेलीविज़न या किसी भी और ऐसे मीडिया के फॉर्मेट पे नहीं मिल सकता। और आप? जी, जो ज़्यादातर बातें तो उन्होंने कह दी हैं, मगर ज़रा सा एक छोटा सा एंगल और है, वो ये है कि प्रैक्टिस या रियाज जिसको हम लोग कहते हैं, वो करने का मौका आपको थिएटर में मिलता है, क्योंकि रिहर्सल काफ़ी अर्से तक चलती है, तो आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। एक्ट्रेस बनूंगी मैं, डांस के तरफ मेरा रुझान था और मैं वहाँ पे मैं एक्चुअली मेरा BFA मैंने किया जो है वो डांस में किया है, तो एक्टिंग शायद कहीं ना कहीं मेरी माँ की वजह से ही मैंने शुरू की, क्योंकि एक नाटक था जो मेरी माँ ने अपनी यूथ में किया था और वो चाहती थी कि वो मेरे साथ करे, तो हमने एक बहुत छोटे पैमाने पे वो नाटक किया और पर अच्छा लगा सबको, तो मैंने ऐसी जो भी आया वो काम करती गई। वन थिंग लेट टू अनदर, एब्सोल्युटली। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि काम करते करते मुझे एक्टिंग में मज़े आने लगे, और काम तो इसलिए वो शायद इतना लंबा चला, वरना मैं शायद डांस की तरफ वापस चली गई। तो आप दोनों का पिछले साल 2019 वाज सेलिब्रेटेड एज 50 इयर्स ऑफ आर्ट सिनेमा और पैराडाइज सिनेमा। उन्होंने कहा कि 1969 विच वाज द ईयर ऑफ भुवन शोम, पूरा जो पैरेलल सिनेमा विच वॉज एट वन लेवल पैरेलल टू मेन स्ट्रीम सिनेमा एंड देन एट सम पॉइंट मिल गया, यू नो, दे काइंड ऑफ कोएलेस्ड इनटू व्हाट वी सी टुडे। सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम बोथ ऑफ यू, दिस जर्नी दैट यू टुक, वाज इट अ प्रीमेडिटेटेड थिंग और वाज इट जस्ट द रोल्स दैट यू ऑल रिसीव्ड? तो 1976 में मैंने पास आउट किया नेशनल स्कूल ड्रामा से, और पास आउट करने के बाद ये एहसास हुआ कि किस तरह का सिनेमा मैं करना चाहता हूँ। तो जाहिर है मेन स्ट्रीम सिनेमा, जिसे हम आज भी मेन स्ट्रीम कहते हैं, अपने बीच पागल फिल्म कलाकार में क्या है? बहुत ही अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ कि ये कलाकार जिनकी पिक्चरें मैंने बचपन में देखी है, एसपी सुप्रिया पाठक और पंकज जी का आता था करम चंद्र, तो वो सीरियल मेरे बचपन के बड़े यादगार हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। इन लोगों को तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं और हमेशा आइडलाइज किया है इन लोग को देख करके, तो आज सामने देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी देखी है जी। हाँ, नहीं कोई आइडिया नहीं। हाँ, पंकज महिला है वहाँ। Yes. हाँ, उनकी तो मूवी थी रामलीला, देखी है मूवी। खिचड़ी टीवी सीरियल्स काफ़ी है वो देखा सब। हाँ, खिचड़ी उनकी बहुत फेमस रही है और लोगों को उन्होंने बहुत हंसाया है, बहुत ही अच्छा लगा था हम लोगों को। अभी सेम ही कहना है, खिचड़ी में इनका रोल बहुत ही बढ़िया था, कॉमिक रोल था। रामलीला में स्पेशली मैं इनका फ़ैन हुआ। पंकज सर को मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली ऑफिस में जो इनका रोल था बहुत ही बढ़िया था, तो आज इनको सामने देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। इन कलाकारों को अपने सामने पाकर बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार इन लोगों को देखी हूँ। इन कलाकारों को देख करके आप लोग क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं पहली बार मैं मतलब किसी सेलिब्रिटी को इतने सामने से देख रही हूँ, और बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं पंकज जी को और मतलब देखना चाहूँ, मतलब सुप्रिया जी को अपने सामने देखूँ, तो आज इन लोगों को देख के बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं।
मतलब बहुत लगी फील कर रही हूँ। इनको इतना कॉमेडी करते, इनके जोक्स पे, इनकी अदाकारी की तारीफ करते करते इतने सामने से इनको सराह पाना, ये मौका मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। फॉर्चुनेट हुआ। थैंक यू सज्जीत रे साहब ने और ऋतिक घटक साहब ने और इवन बिमल रॉय साहब ने बहुत ही अच्छा सिनेमा उस ज़माने में बनाया। लेकिन बहरहाल 1970 के आसपास से ये माना गया कि आर्ट सिनेमा का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो जाहिर है कि हम लोग आज चीजें तो ये दोनों कलाकार रांची पहुंचे हुए हैं एक म्यूजिक प्रोग्राम में, तो उसका विजुअल हम आपके पास लेकर के आए हैं। तो ये दोनों बड़े कलाकार जब अर्ली टेलीविजन हमारे यहां शुरू हुआ था डेंट और रांची के कुछ लोग आए हुए थे, उनको देख करके अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस किए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट विजुअल के साथ। अपना ख्याल रखें क्योंकि आते हैं हम लेटेस्ट अपडेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।